This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्र साल अध्याय 16 सूत्र क्रमांक 27 जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देह धातवः हेतु साम्यात् समास्तेषां स्वभावो परमस्सदा। इस अध्याय में चिकित्सा प्रभृति यानी रोगी को सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक चिकित्सा देने का विषय कैसे होता है उसका विवरण चल रहा है। उसमें हमने 26 तक के सूत्रों में शोधन का महत्व और अयोग के लक्षण और अयोग हुआ तो क्या करना उसका विवरण और सम्यक योग होने के बाद क्या करना उसका विवरण ये अब तक हो गया। अब यहां से अधिकरण चिकित्सा प्राभूति यह है किंतु शोधन के बाद अथवा शोधन के पूर्व किसको जहां जिसको शोधन करना है उसको भी और जिसका शोधन नहीं हुआ है उसको भी, जिसको केवल शमन चिकित्सा दे रहे हैं उसको, जिसको शोधन चिकित्सा दे चुके हैं उसको भी चिकित्सा किस प्रकार देनी चाहिए उसका चिंतन चल रहा है, उसका विवरण अग्निवेश के लिए चल रहा है। अब यहां पर अग्निवेश ने अब तक की बातें आपको बताई, अब यहां अग्निवेश बता रहे हैं जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देह धातवः। जायन्ते ये क्रियापद है, उसका अर्थ होता है होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हेतु वैषम्यात् हेतु वैषम्य ये सामासिक शब्द है, हेतो हो वैषम्यात् देह धातवः विषमाः जायन्ते। अब यहां पर देह धातवः शब्द से प्राकृत दोष भी अपेक्षित है और धातु भी अपेक्षित है। अब यहां हेतु वैषम्य क्या है, हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुभकर एक होते हैं व्याधुकर। जो शुभकर है उसको हेतु साम्य कहते हैं और जो अशुभकर है उसको हेतु वैषम्य करते हैं, यानी व्याधिकर है वो हेतु वैषम्य है और जो साम्य प्रस्तावित करने के लिए अनुकूल है उनको धातु उनको हेतु साम्य कहते हैं। अब ये हेतु कौन है साम्य वैषम्य करने वाले, इसका वर्णन सूत्र स्थान अध्याय 28 में 8वां श्लोक 24वां श्लोक 28वें अध्याय में 42 चरक सूत्र अध्याय 28 सूत्र क्रमांक 42 आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषा हेतु संज्ञकाः
शुभ अशुभ समुत्पत्तौ तान परीक्ष प्रयोजयेत। आहारस्य विधौ अष्टौ, आहार के विधि आठ है और ये विधि शब्द का विधौ और अष्टौ क्यों किया है? नदी नद्यौ दो है, द्विवचन है और अष्टौ का वो नित्य बहुवचन में चलता है, ये द्विवचन है बहुवचन में चलता है नित्य, इसलिए अष्टौ। अब ये आठ है आहार विधि, लेकिन इनके दो प्रकार है, कौन से? शुभ समुत्पत्तौ अशुभ समुत्पत्तौ, ये दो प्रकार है हेतु संज्ञकौ, इसलिए इनका भी हेतु संज्ञक आहार, जिनको हेतु माना जाता है ऐसे विधि, ये शुभ समुत्पत्तौ एक है और अशुभ समुत्पत्तौ दूसरा है। जो अशुभ समुत्पत्तौ है ये हेतु संज्ञक व्याधि के लिए है और शुभ समुत्पत्तौ है ये आरोग्य के लिए है, धातु साम्य के लिए है। यहां पर जो संदर्भ है वो इस संदर्भ में है कि हेतु वैषम्य से, यानी विधि के आहार आचार विचार विधि विरहित करते हो तो देह धातु को वैश्य विषम करने वाले हैं, उसको कहते हैं हेतु वैषम्य। और जब धातु साम्यावस्था उत्पन्न होती है ऐसे करने वाले आहार आचार विचार औषध विहार, आहार विहार और औषध, ये इनको हेतु साम्य कहता है, कहा जाता है। शुभ कर्ज साम्य करने वाले जितने भाव है उनको हेतु साम्य कहा जाता है, हेतु साम्य साम्य करने वाले हेतु, साम्यम करोति ऐसे हेतु, हेतु सामान्य हेतु सामा साम्य करने वाले को हेतु सामान हेतु कहते हैं, हेतु समवित सम हेतु कहते हैं। दोषाणाम साम्यम प्रस्थापयति ते हेतवः हेतु समाः, ये वैषम्यम कुर्वन्ति ते हेतु विषमाः। इस प्रकार इसका विचार हमें करना है। तो यहाँ हेतु साम्य करने वाले कौन है? एक विधियुक्त आहार विधियुक्त विहार और विधियुक्त आचार, दूसरा जिनका वैषम्य हुआ है उनका उनके विपरीत साम्य प्रस्थापित करने वाला आहार विहार और औषध। ये यदि आप करते हैं तो दोष का धातुओं का साम्य प्रस्थापित होता है, या इसलिए कहते हैं हेतु वैषम्य का यदि प्रयोग करते हैं यानी विधि विपरीत आहार आचार विचार करते हो तो वो देह धातु विषम करते हैं और दोषों को साम्य धातुओं को साम्यावस्था में लाने वाला आहार विहार आचार और औषध सेवन करते हो तो उसको कहते हैं हेतु समाह। साम्य करने वाले हेतु। अब यहां पर प्रश्न आता है देह धातव शब्द में, हमने मैंने कहा धातु भी आते हैं, हाँ आते हैं, प्रमेह में पुष्ठ में आपके विकृत आहार विहार का परिणाम
धातु शैथिल्य होता है, रस शैथिल्य होता है, रक्त शैथिल्य होता है, त्वक शैथिल्य होता है, और ये पंचमहाभूतों के कारण ही होता है। आप्य, अग्नेय, पार्थिव, इनके विकृत प्रयोग से उनमें शैथिल्य उत्पन्न होता है। और व्यायाम, आहार, इनके नियम न पालने से भी शैथिल्य आता है। आहार विहार का, व्यायाम का नियम पालन न करने से भी शैथिल्य आता है धातुओं में। इसलिए इन हेतुओं को बंद करके, यानी इनका त्याग करके, हेतु साम्य प्रस्थापित करने वाले, धातु साम्य प्रस्थापित करने वाले भावों का सेवन यह अपेक्षित है, तो उनसे परिणाम जैसे दोषों पर होता है वैसे धातुओं पर भी होता है। इसलिए हेतु साम्यात समास तेषाम। अब इसके बाद का तीसरा शब्द है स्वभावोपरमः सदः। उपरम ये स्वभाव है, उपरम यानि शांत होना। अब इसकी टीका है, स्वभावात विनाश कारण निरपेक्षात उपरमो विनाशः स्वभावोपरमः सदा इति अविलंबेन तेन उत्पन्न मात्रा एव विनश्यन्ति इति अर्थः। इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है, वो करता हूं। विनाश कारण यानी किसका? दोषों ने जो रोग निर्माण किया है धातुओं के साथ मिलकर, दोष दुष्य समूर्छना जनित, उसकी यदि चिकित्सा करनी है तो दोषों का सामने प्रस्थापित करो, धातुओं का सामने प्रस्थापित करो। जो नया निर्माण हुआ है वैषम्य, मेलक जनित, समूर्छना जनित, वो इनका यदि पोषण बंद कर दिया जाए तो यह स्वयं नष्ट होता है। स्वयं का अर्थ देते हैं विनाश कारण निरपेक्ष, इनके विनाश का कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, निरपेक्ष है, स्वयं होते हैं, उसका विनाश स्वयं होता है। ये नियम है सृष्टि का, जिसकी उत्पत्ति हुई उसका पोषण बंद कर दो वो स्वयं नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें चिकित्सा नहीं करनी है, यदि उसको जल्दी ठीक करना है तो हमें चिकित्सा आवश्यक है तो करनी है, उसका निषेध नहीं है, शीघ्रता से करना है तो। यदि आपको शैथिल्य दूर करना है व्यायाम करो, ये चिकित्सा है व्यायाम करना, ये सुदृढ़ बन जाएंगे, ये तो करना ही है। लेकिन जैसे आप हेतु बंद कर दोगे, विधियुक्त आहार विहार करोगे, विपरीत चिकित्सा करोगे हेतु के विपरीत, तो जो विकृति उत्पन्न हुई है वो नष्ट करने का काम स्वयं शुरू हो जाता है, क्योंकि पोषणाभाव होता है। किसका पोषण? व्याधि उत्पन्न करने वाले दोषों का। कौन से दोष? विकृत दोष। इनमें विकृत दोष उत्पन्न होने की परंपरा बंद हो जाती है, और वो परंपरा बंद होने से विकृत दोषों का पोषण स्वयं बंद हो जाता है, और विपरीत देने से उनके गुणों की न्यूनता होने लगती है, दोषों की, धातुओं के गुणों की। और जो दो विकृत धातु और विकृत दोषों के
एकत्र रहने से जो नया विक उत्पन्न हुआ है वो स्वयं शांत हो जाता है, उसके लिए स्वतंत्र चिकित्सा न करते हो तो भी, इसका अर्थ ये नहीं वो करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए, आगे ग्रंथकार कहते हैं करनी चाहिए, लेकिन स्वभाव है ये स्वयं नष्ट होने वाला है, इसको कहते हैं स्वभावो परमः। लेकिन अभी जो मैंने कहा हेतु त्याग अनिवार्य है, विपरीत चिकित्सा अनिवार्य है, सामने प्रस्तावित करने वाला आहार केवल देने से नहीं होगा, तो आपको विषमों को शम करने वाली चिकित्सा भी देनी पड़ेगी, विपरीत अर्थकारी और विपरीत का और विपरीत दोनों आपको देनी होगी। दोषों की चिकित्सा आपको करनी है, क्योंकि दोषों का प्राकृत निर्माण ये करना ही है आपको, पोषण कैसे होगा शरीर का, विकृत बन करके, विकृत पोषण बन करके प्राकृत पोषण निर्माण और उनको साम्यावस्था में लाना और प्राकृत पोषण के लिए हितकर आहार विहार की योजना करना ये अनिवार्य है। इतना करोगे तो दोष दोष समूचना जिन्हें तो मेलक है, इसमें कुछ विकृति उत्पन्न की है, इसमें कुछ लक्षण निर्माण किए हैं, कुछ वर्ण रस वर्ण गंध जो परिवर्तन हुआ है स्पर्श आदि में, मूर्ति में, आकृति में, ये पोषण अभाव से स्वयं नष्ट होने वाला है, वहां नवनिर्मिति का प्रारंभ होने वाला है। जैसे वृणारोपण होता है, वृणारोपण होते हुए नए धातु निर्माण होते हैं, स्वयं होने वाला है, लेकिन आपको दोष क्षय करना पड़ता है, वृण शुद्धि करनी पड़ती है, वृण स्वयं रोपण हो जाता है। आप धातु वृद्धिकरण नहीं दिए तो भी हितकर आहार विहार करने से नव धातुओं का निर्माण, मांसादि का निर्माण, रसादि का निर्माण होकर व्रण भर जाता है। उसी प्रकार व्याधि की जो संप्राप्ति है उनका पोषण नहीं हुआ विकृत दोषों से, तो वो स्वयं नष्ट धीरे धीरे होती है, और वो शीघ्रता से करना है तो आपको उस प्रकार की औषधियां देने का ग्रंथकर्ता आदेश देते हैं। स्वभावो परमः। लेकिन यदि आप गलती करते हैं कि आप साम्यकर आहार में वैषम्यकर आहार विहार बंद नहीं करते हो, धातु वैषम्य करने वाला आहार विहार आचार बंद नहीं करते हो और केवल हेतु विपरीत चिकित्सा करते हो, परिणाम तात्कालिक मिलेगा, अल्प मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी करना अनिवार्य है और हेतु बन करना भी अनिवार्य है। इसके लिए अगले सूत्र में एक सूत्र है वो पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ऊपर की पंक्ति पढ़ेंगे। पढ़ो अगला 28। प्रवृत्ति ही हेतु भावानाम न निरोधे अस्ति कारणम केचित तत्रापि मन्यन्ते हेतु हेतोः अवर्तनम। अब केचित तत्रापि मन्यन्ते हेतुम, स्वभावो परम ठीक है, लेकिन उसका एक कारण भी हुआ है, वो भी आपको करना पड़ेगा। स्वभाव परम के लिए आपको एक कारण और करना पड़ेगा, कौन सा? हेतो हो अवर्तनम, हेतु बार बार न घड़े, पुनः न घड़े, ये तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये उपरम का एक साधन है, हेतु है। केचित तत्रापि मन्यन्ते हेतुम, ये हेतु है, उपरम का हेतु ये है,
कौन सा हेतु हो अवर्तनम, व्याधि दोषों को निर्माण करने वाले भावों की अनुपस्थिति ये उपरम का एक साधन है। स्वभाव परम तो है ही, बशर्ते आप हेतु बन करते हो तो। ये तो आप हेतु बन नहीं करोगे करोगे स्वभाव परम नहीं होता, इसलिए स्वभाव परम का एक हेतु है कौन सा, हेतु हो अवर्तनम। वर्तनम यानि बार बार घटना, अवर्तनम यानि निषेध, उनका त्याग होना, निषेध होना, नहीं घटना, हेतु नहीं बार बार घटेंगे, ये स्वभाव परम का हेतु है, इसको नहीं भूलना है। अब इसके लिए मैंने ये अर्थ क्यों लगाया, उसके लिए देखिए सूत्र 36 इसी अध्याय में 36। त्यागात विषम हेतूनां समानां च उपसेवनात् विषमा न अनुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समः। आप विषम दोषों को विषम करने वाले आहार विधि रहित आहार विहार आचार को बंद करते हो और सम करने वाले विपरीतों की चिकित्सा करते हो और हितकर आहार सेवन करते हो, विहार सेवन करते हो, तो विषमा नानुपद्धन्ति, तो विषम दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है। उसकी टीका बड़ी अच्छी है, वो नीचे से तीसरी लाइन, विषमा नानुपद्धन्ति इति हेतु अभावात् विषम संतानस्य उत्पादो न भवति। हेतु ही नहीं रहे तो दोष विकृत कैसे उत्पन्न होगे, और विकृत दोष उत्पन्न नहीं हुए तो विकृत दोषों का पोषण कैसे होगा। इसका विपर्य करो, हेतु चल रहे विकृत दोषों का निर्माण हो रहा, व्याधि उत्पन्न होने वाला है, इसलिए हेतु हो अवर्तनम ये प्रमुख कारण है इसका, उपरम का। वैसे तो स्वभाव है उपरम का, कब है ये स्वभाव, ये तो अवर्तन हो तो, अन्यथा नहीं, और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए चिकित्सक ये हेतु विचक्षण चाहिए, चिकित्सक हेतु विचक्षण चाहिए और उसको उसको ढूंढना आना चाहिए, और ढूंढते हुए उसको निकालना, बंद करना, ये भी आना चाहिए, युक्ति से करना पड़ता है, वो भी आना चाहिए, तब जाकर स्वभावोपरमः सदा, सदा का अर्थ है सदा इति अविलंबेन, उत्पन्न मात्रो नष्ट होते, जो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होने वाला है। उत्पन्न मात्र शब्द, यहाँ मात्र शब्द ये तंत्र युक्ति है, व्यापक तंत्र युक्ति, जो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, बस आप पोषण बंद कर दो। इसको तंत्र युक्ति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये तंत्र युक्ति है, ये मर्यादा बताती है, विशाल मर्यादा, जो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होता है, उत्पन्न मात्र नष्ट होते विनाश होते, पोषण बंद करो बस। अब पोषण बंद नहीं करोगे कैसे होगा, व्याधि तो दोष उत्पन्न करता है। इसलिए अब इस सूत्र को किस आधार पर स्वभाव परमः ये उन्होंने कहा, उसका कारण देते हैं, वो भावानाम षष्ठी बहुवचन, प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति, भावों के उत्पत्ति का हेतु हो सकता है, हेतु भावानाम उत्पत्ते है हेतु, उत्पत्ति हेतु यह सामासिक शब्द है, उत्पत्ते है हेतु षष्ठी तत्पुरुष,
उत्पन्न होने के लिए हेतु चाहिए, निरोधे न अस्ति कारणम, नाश के लिए कोई कारण की आवश्यकता जरूरी नहीं है, नाश स्वयं होने वाला, बशर्ते हेतु हो अवर्तन। हेतु मत घड़ने दो, स्वयं नष्ट होने वाला समय लगता है, स्थिर है, बहु है, अनुकूलता नहीं है काल की, तो समय लगेगा, लेकिन आप शीघ्रता से भी कर सकते हो चिकित्सा देकर, विपरीत गुणों की चिकित्सा करके, और आप वो भी कर सकते हो। इसलिए चिकित्सा प्रकृति ने आपको एक दिशा दी है। क्या दिशा है चिकित्सा की? आपको विषम दोषों को विषम करने वाले, धातुओं को विषम करने वाले अशुभ कर विधि रहित आहार विहार आचार बंद करने होंगे, और दूसरा हेतु साम्य करने वाला विधियुक्त आहार अवस्था अनुसार आहार आपको देना पड़ेगा, और दोषों के विपरीत गुणों की चिकित्सा अथवा विपरीतार्थकारी यानी शोधन चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर स्वभावो परम होता है। और उसमें एक चीज और लगा लो, वो यह है कि हेतो हो अवर्तनम, ये चिकित्सा का संग्रह है। विधिविरहित आहार का त्याग एक, विधियुक्त आहार का सेवन दो, अवस्था अनुसार दो, और तीसरा विपरीत अर्थ विपरीत दो हेतु के गुणों के विपरीत चिकित्सा और विपरीतार्थकारी चिकित्सा, और अंतिम बिंदु है हेतो हो अवर्तनम, और इसके बाद का अंतिम बिंदु आता है व्याधि प्रत्यनीक। ये हमारा चिकित्सा का सूत्र है, चिकित्सा प्रावृत का ये सूत्र है। इतना चिकित्सक को करना अनिवार्य है। अब इसके बाद आचार्य ने इतना तो उनको कह दिया, अब ये स्वयं लिख रहे हैं अग्निवेश स्वयं लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में, इस ग्रंथ के कर्ता मूल कर्ता अग्निवेश है, वो स्वयं लिख रहे हैं। इतना कहने के बाद मेरे मन में चिंता उत्पन्न हो गई, और मैंने पूछा गुरुजी से, क्या पूछा? एवं उक्ता, वच पढ़ो अगला श्लोक पढ़ो। एवं उक्तार्थम आचार्यम अग्निवेशः अभ्यभाषत स्वभाव उपरमे कर्म चिकित्सा प्राभृतस्य किम्। ठीक है, तो अब यहाँ पर अग्निवेश पूछ रहे हैं, इतना सब सुनने के बाद एवं उक्तार्थम, एवं उक्तार्थम आचार्यम अग्निवेशो अभ्यभाषत, इस प्रकार का भाषण आचार्य ने करने के बाद, विषय का विवरण आचार्य ने करने के बाद अग्निवेशः अभ्यभाषत, भाष धातु है, अभ्यभाषत भूतकाल है, अग्निवेश ने कहा, क्या कहा? स्वभावोपरम यदि कर्म है, स्वभावोपरम यदि होना है, बिना विनाशक विनाशक व्याधि विनाशक चिकित्सा किए बिना ही यदि व्याधि ठीक होता है तो चिकित्सा प्रावृतश्च किम्। मैंने इतना साधन जमाया, इतना आपके पास पढ़ा,
एमडी किया, पीएचडी किया, बीएमएस किया, ये चिकित्सा प्रावृत्त मैंने सीख लिया, कैसे देना, कैसे करना, साधन कैसे जमाना, पंचकर्म कैसे करना, श्वेत कैसे देना, वमन कैसे करना, ये सब मैंने पढ़ लिया, उसका क्या होगा? ये प्रश्न मेरे मन में आया, ये करने की चिकित्सा की जरूरत क्या है इतनी इतनी करने की? उसका दूसरा प्रश्न है, भेषजे ही विषमान कान धातून समीकरोति भिषक्, अर्थ बाद में बताता हूं, आगे पढ़ लेता हूं। कावा चिकित्सा भगवन किमर्थम वा प्रयोज्यते, फिर चिकित्सा करना क्यों है? और भेषज ही विषमान कान धातून समीकरोति, फिर चिकित्सा किन धातुओं को समान करता है? भिषक चिकित्सा धातु साम्य करता यानी क्या करता है? कावा चिकित्सा, फिर चिकित्सा किसको कहेंगे आप? ये धातु साम्य प्रस्तावित करना है तो चिकित्सा किसको कहेंगे आप? चिकित्सा किमर्थम प्रयुज्यते, फिर इतने साधन की योजना क्या है, क्यों करना है सब? ये प्रश्न उसके मन में आया, क्यों आया उसके मन में ये प्रश्न, ये दिमाग में उनके मन में ये था कि व्याधि की चिकित्सा करनी पड़ती है, जैसे हमारे मन में भी है, व्याधि की चिकित्सा करनी पड़ती है, दोष के करने से क्या होगा, व्याधि की चिकित्सा करनी है, जैसे हमारे मन में था वैसे उनके मन में भी शायद हो रहा होगा, इसलिए उनके मन में प्रश्न आया। और ये वाक्य से अग्निवेश की मानसिकता का समझना आवश्यक है, ये मन में प्रश्न क्यों आया? संभव है कि उसके मन में भी प्रतिव्याधि की व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करनी वही चिकित्सा है, अन्य कोई चिकित्सा ही नहीं। अतिसारो वास्तंभन करो, श्वासाया श्वासग्न चिकित्सा करो, शूलवा शूलग्न करो, यही उसके मन में शायद होगा पढ़ते समय, इसलिए उसने प्रश्न पूछा। हो सकता है अग्निवेश समझ गया होगा, लेकिन ये प्रश्न को निर्माण करते हुए उस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए यह प्रश्न उसने वहां पर किया होगा। कुछ प्रश्न ऐसे इसलिए भी किए जाते हैं कि उसका विवरण अधिक हो। ये ऋषि संवाद में किसी विषय को अधिक फुलवाने के लिए ऐसे प्रश्न बार बार किए जाते हैं, पूरे भागवत में और पूरे महाभारत में ऐसे प्रश्नों का निर्माण धर्मराजा ने भी किया है। क्यों? उसका विस्तार अधिकृत मुख से हो जाए तो लोग मानेंगे, शायद मेरे कहने से नहीं मानेंगे, मैं समझ गया हूं, लेकिन आप कहोगे तो निश्चित मान जाएंगे। ये मानसिकता उसकी भी वहां हुई होगी, इसलिए प्रश्न उन्होंने किया। और फिर तत्शिष्य वचन श्रुतवा, शिष्य का यह वचन सुनते हुए, श्रुतवा त्वांत श्रु धातु का शिष्य वचनम, शिष्य वचनम सामासिक शब्द है, षष्ठी तत्पुरुष। व्याजहार पुनर्वसु, व्याजहार यह क्रियापद है, इसमें रु धातु है,
और व्यावहूति यानी प्रकट करना, उसमें उसका ये परोक्ष भूत है व्याजहार पुनर्वसु। पुनर्वसु ने उसका उत्तर दिया, श्रूयताम अत्र सौम्य, अग्निवेश के लिए सौम्य शब्द का प्रयोग है। क्या सुनो, युक्ति ही दृष्टा महीषी भी, महीषियों ने ऐसा कहने के पीछे उसकी उनकी उसको क्या कहेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका, ऐसा उनको क्यों कहना पड़ा, इसका भी विचार ऋषियों ने किया है। युक्ति ही दृष्टा, युक्ति यानी उसका उत्तर, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऋषि ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका भी उसका विचार भी उसकी उसका उत्तर भी ऋषियों ने देखा है, दृष्ट यानी समझा है। यहाँ दृष्ट धातु दृश्य धातु का कबूदा भी है, पास्ट पार्टिसिपल है। महर्षि भी दृष्टा, युक्ति दृष्टा, युक्ति अकारंत स्त्रीलिंग है इसलिए दृष्टा किया है, अकारंत स्त्रीलिंग दृष्ट दृष्टा युक्ति का विशेषण है। दृष्टा युक्ति देखी, उन्होंने देखी गई है उनके द्वारा, क्या है युक्ति, न नाश कारणम, न नाश कारण अभावात नाश कारणम ज्ञायते, नाश का कारण ही नहीं है कोई, इसलिए वो समझता ही नहीं है हमको, जब नहीं है तो कैसे समझेगा। जैसे खरगोश को सिंह नहीं होते हैं, है ही नहीं तो कहां से दिखेंगे आपको, उस प्रकार इनका कोई कारण नहीं है तो जानने का सवाल ही नहीं आता है। इसलिए नाश कारण अभावात नाश कारणम न ज्ञायते, भावों के नाश का कारण ही नहीं है इसलिए वो मिलता ही नहीं आपको। अब उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे नित्य का काल है, काल नित्य है यानी प्रतिक्षण नया काल, नया क्षण आता है, पुराना क्षण अपने आप नष्ट हो जाता है, वो फिर वापस नहीं ला सकते आप, वो नष्ट हो जाता है। कालस्य अत्यय कारणम, नित्यगस्य उसके एक काल का नाश का कारण हमें पता नहीं है, नहीं है ही नहीं तो कहां से पता होगा। एक क्षण था मैं, दूसरा क्षण आ गया, पहला नष्ट हो गया, ये नष्ट होने का कारण नहीं है, कहां से समझोगे आप। इस प्रकार जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कभी ना कभी नष्ट होती ही है, पोषण अभाव से। अरे क्या अपनी अपनी मर्यादा होगी कब नष्ट होना है, उसका समय होगा, लेकिन नष्ट तो होते ही है। इसलिए काल का अत्यय कारण नाश कारण है ही नहीं तो कैसे पता पड़ेगा आपको। शीघ्र गतवात यथा, काल शीघ्र नष्ट होता है, आगे जाता है पिछला नष्ट हो जाता है, तथा भावो विपद्यते, उसी प्रकार जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका पोषण बन करो आप, वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ये उस प्रश्न को उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन अभी उत्तर अधूरा है, उत्तर अभी अधूरा है। आगे कहते हैं, निरोधे कारणं तस्य नास्ति, विनाश के लिए कारण की आवश्यकता नहीं है, न एव अन्यथा क्रिया, उसके लिए
उसके लिए कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं नष्ट होने वाले हैं। न अन्यथा क्रिया निरोधे कारणम नास्ति, कोई चिकित्सा निरोध के लिए आवश्यक नहीं है। शीघ्र नाश करना है तो कर सकते हो, लेकिन नहीं करे तो वो नष्ट होने वाला है समय पर, अपने अपने समय आने पर होने वाला है। एतेन विषमे धातु साम्यम संस्कारम अधीयताम, केवल विषम धातुओं को साम्य करने का संस्कार करिए, यही चिकित्सा है, यही चिकित्सा है, दूसरी चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है। विषमे धातु साम्यम संस्कारम अधीयताम, साम्य करने वाले संस्कार करो, एवं रूपा अपि चिकित्सा निरस्ता मंतव्या, टीकाकार एक कदम आगे जाते हैं। आप हेतु बंद कर दो और हितकर आहार करो, विषम दोष स्वयं नष्ट हो जाने वाले हैं, उनकी भी चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साम्य प्रस्तावित करने वाली चिकित्सा नहीं करोगे तो भी आप हेतु बंद कर दो और हितकर आहार खाने लगो, ये विषम दोष भी स्वयं शांत होने वाले हैं। ये टीकाकरण एक कदम आगे गए हैं, लेकिन मैंने कहा शीघ्रता से करना है तो आपको ये करना जरूरी है। उसका वर्णन दसवें अध्याय में आता है। दसवें अध्याय में शीघ्र उत्पन्न व्याधि उच्च चिकित्सा करने के लिए, समय बर्बाद न करने के लिए चिकित्सा आपको विषम विपरीत चिकित्सा भी करनी पड़ती है, ये विषय दसवें अध्याय में आ चुका है। आवश्यक है तो कल फिर बताऊंगा। अब इस प्रकार अब इसके बाद ये चक्रवाणी की टीका है, लेकिन इसके बाद ग्रंथकार क्या कहते हैं वो महत्व का है। या भी क्रिया अकारांत यद का ये तृतीय है, या भी क्रिया भी ही, जिन भिन्न क्रियाओं से शरीरे सप्तमी है, धातवः बहुवचन है, समाः जिन जिन क्रियाओं से धातुओं का साम्य प्रस्थापित होगा, सा विकाराणां चिकित्सा, वही चिकित्सा है विकारों की। यानी धातु साम्य प्रस्थापित करने की चिकित्सा, यही चिकित्सा है, सा चिकित्सा विकाराणां। आवाज बंद करा म्हणा, ते म्यूट करा म्हणा। तो जिन क्रियाओं से धातु साम्य उत्पन्न होगा वही चिकित्सा है विकारों की, वही चिकित्सा है। यानी आहार आचार, आहार विहार आचार विधि विपरीत विधि युक्त, और जिन दोषों के गुणों की वृद्धि हुई है हेतु उनके हेतुओं के विपरीत चिकित्सा करके उनको साम्यावस्था में लाना, यही विकारों की चिकित्सा है। सा चिकित्सा विकाराणाम, सा यानी वह कौन सी, या भी क्रिया भी, जिन जिन क्रियाओं से शरीर में धातु साम्य उत्पन्न होगा, इसलिए श्लोक में मत आए हेतु साम्य साम्यम, और सा चिकित्सा विकाराणाम, वही विकारों की चिकित्सा है। और तद वही
भिषजाम षष्ठी वैद्यों का कर्म समझो। चिकित्सक को वही कर्म करना है। कौन सा? जियाभिक्रियाभिजायन्ते धातवः समाः। हेतु साम्य धातु साम्य प्रस्थापित करने वाला आहार आचार विचार विधियुक्त और विषम धातुओं को सम करने वाली चिकित्सा और हेतु हो अवर्तनम, यही चिकित्सा है, इसी का नाम चिकित्सा है और यही विशेष का कर्म है। तो भेषज ही 30 नंबर का श्लोक, भेषज ही कान धातु विषमान समीकरोते, इसका उत्तर यहां पर दिया है। जो धातु विषम हुए हैं उनको साम्यावस्था में लाना और वही चिकित्सा है। किमर्थम चिकित्सा प्रयोज्यते, चिकित्सा उनके साम्य प्रस्थापन करने के लिए चिकित्सा की जाती है। और उसके लिए चिकित्सक को एक सूत्र बताते हैं जिसको चिकित्सा प्राभूति ये सूत्र कहते हैं। कथम शरीरे धातु नाम वैषम्यम न भवे, धातुओं का विषय धातुओं का वैषम्य न हो, साम्यवस्था न बिगड़े, तद भिषजाम कर्म स्मृतम, वो भिषक का कर्म है। और समधातुओं का अनुबंध हो, सतत्य से समधातु की निर्मित हो, ये भिषक का कर्म है। और इत्यर्थम क्रियते क्रिया, इन दो कर्मों के लिए चिकित्सा की जाती है। कथम शरीरे धातु नाम वैषम्यम न भवेत इति, इस वाक्य को व्यापक रूप से देना है आपने, व्यापक रूप से देखना है। एक विषय तो धातु साम्य करना ये है, इस धातु साम्य का अर्थ मर्यादित नहीं लेना है, इसको विस्तार करना है। एक तो समदोष करना है, दूसरा समधातु करना है, तीसरा सममलक क्रिया करनी है, चौथा समाग्नि करना है। समाग्नि करना है और ये समाग्नि कैसे हो, सममल कैसे हो, समधातु कैसे हो, समदोष कैसे हो और कैसा उनका अनुबंध रहेगा, ये कर्म चिकित्सा है, यही कर्म चिकित्सा है, इसी को चिकित्सा कहते हैं। केवल धातु पर मत ठहरिए, अभिप्राय उनसे कथम शरीराम वैषम्यम न भवेत इति, ये है। अब वैषम्य उत्पन्न होने का एक कारण है अग्नि, आपने किए हेतुओं से मंद होता है और हेतु बन करने के बाद उनका साम्य प्रस्थापित करना ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी अग्नि को पुनस्थापित करना, उसको स्थिर करना, सर्वपच करना, महान करना, ये जिम्मेदारी चिकित्सक की है। इसलिए ये वाक्य है, क्योंकि अग्नि मंद होने से सभी धातु विषम बनते हैं। विधियुक्त मात्रायुक्त आहार भी जो अग्नि पचा नहीं सकता, वो दोष ही निर्माण करता है, वो धातु ही विकृत करता है। इसलिए एक इस श्लोक से कथम शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेत इति, धातुओं का वैषम्य अग्नि मंद होने से होता है, याद करिए। चरक चिकित्सा 15, शांते ग्नो म्रियते युक्ते चिरंजीवते विकृतश्चात् विकृतेर्मूलम्। अग्नि विकृत हुआ
तो ये दोषों का वैषम न करता है, धातुओं का वैषम न करता है, इसलिए शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेत्। इसका अर्थ केवल सात धातुओं का नहीं है, यहां अग्नि भी उसका कारण है वैषम्य का, मल प्रवृत्ति भी उसका कारण है। तो इनका समधातु मल क्रिया और समाग्नि ये प्रस्थापित करना ये चिकित्सक का कर्तव्य है, यही इसी का नाम चिकित्सा है। ये बार बार अधोरेखित कर रहे ग्रंथकार, रोग स्वयं नष्ट होता। अब इसमें इंद्रियों का साम्य, प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, आत्मा की प्रसन्नता, इस विषय को स्पर्श नहीं करता हूं मैं, क्योंकि वो भी चिकित्सा का भाव है, वो भी करना है, उसके लिए सद्वृत्त अनिवार्य है। इसलिए आचार मैंने कहा, आचार भी आपका विधियुक्त होना चाहिए, सद्वृत्त विधियुक्त होना चाहिए, इसलिए इन सबको करना ये चिकित्सक का काम है। सम का अनुबंध रहे, समदोष का अनुबंध रहे, समधातु का अनुबंध रहे, समाग्नि का अनुबंध रहे, मन क्रिया सम हो, मन प्रसन्न हो, इंद्रिया प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न हो, ये हमें देखना है, इसका नाम चिकित्सा है। और समारोप करते इस विषय का, त्यागात विषम हेतु नाम विधियुक्त आहार, विधि विरहित आहार, विधि विरहित विहार और विधि विरहित आचार का त्याग, और विधियुक्त आहार विहार आचार का सेवन, और दोषों के साम्य प्रस्थापित करने के लिए हित विपरीत चिकित्सा, और अग्नि को दीप्त करने की चिकित्सा, इतना करोगे तो विषमा नानुपद्यन्ते, तो विषम दोषों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, और धातु साम्य प्रस्थापित होता है। ये चिकित्सा प्रभुत है और ये आपको करना है। इस बात को अग्निवेश को ये लगा कि इस बात को अधिक दृढ़ता से रखना आवश्यक है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया। To emphasize this point, इस प्रश्न को निर्माण किया और उसका विस्तार आचार्य के शब्दों से करवाया, ताकि हम उस पर विश्वास करेंगे। इस प्रकार चिकित्सा प्रभु का विस्तार से वर्णन उन्होंने किया। आगे पढ़ो 37-38 पढ़ो, फिर समाप्त करेंगे। समय ही तो हेतु भी यस्मात् धातुन संजनयेत समान चिकित्सा प्राभृतः तस्मात् धाता देह सुखायुषाम धर्मस्य अर्थस्य कामस्य नृलोकस्य भयस्य च दाता संपद्यते वैद्यो दानात् देह सुखायुषाम। वैद्य ये दाता है किसका? देह सुख का, और उसको इतना करने से धर्मस्य अर्थस्य कामस्य नृपलोकस्य वयस्य च दाता है। ये वैद्य इन सब का दान करता है, देह सुखायुषाम दाता। अब समारोह करते हैं। समय स्तु हेतु भी यानी विधियुक्त आहार, विधियुक्त विहार, विधियुक्त आचार से संजनयेत समान समधातुओं की निर्मिति होती है। यस्मात् संजनयेत, ऐसे आहार विहार का सेवन जिससे धातु सम्यक उत्पन्न हो, चिकित्सा प्रावृतः तस्मात् चिकित्सा प्रावृत यानी चिकित्सा देने वाला
ये यदि ऐसे करता है तो देह सुख देता है और सुखायु देता है, उसके साथ साथ धर्म का, अर्थ का, काम का और इंद्रलोकस्य उभयस्य च, दोनों लोगों में यानी यह और परलोक में भी वैद्य उसको भी सुख मिलता है, आयुष मिलता है। दाता संपद्यते, दाता को भी सुखायुष्य मिलता है। यहाँ पर समाप्त होता है, अगले सूत्रों में फिर अगर कल देखेंगे जिसमें समारोप किया है और कुछ नहीं है, फिर भी कल उसको पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। कुछ प्रश्न है तो आने दो। क्वेश्चन ऐसा है कि समदोष प्रस्थापित करने के बाद भी अगर हेतु सेवन होता है तो फिर से रोग उत्पन्न होगा, और रुग्ण ऐसे है कि वो हेतु सेवन करते ही है, तो क्या व्याधि विपरीत चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिए केवल? केवल व्याधि की चिकित्सा करने का प्रयास करोगे तो जीवन में कभी भी आप उसको सुख नहीं दे पाओगे। आपको वो करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन दोषों की चिकित्सा आप छोड़ नहीं सकते। हेतु करोगे हर साल वमन करवाओ, हर साल विरेचन करवाओ, हर साल बस्ती दो। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को भी शोधन प्रतिवर्ष करना चाहिए ताकि व्याधि उत्पन्न न हो। इसलिए जब शोधन का समय नहीं आता है तब तक आप चिकित्सा करते रहिए, लेकिन चिकित्सा करते समय ध्यान रखो केवल व्याधि विपरीत मत करिए, व्याधि विपरीत के साथ दोष विपरीत भी करते रहिए, हेतु त्याग भी प्रयास करते रहो। छोड़कर नहीं भागना है। व्याधि विपरीत का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रंथकार भी नहीं करते हैं, लेकिन उतने चिकित्सा से पुनरावर्तन निश्चित है, एक नहीं दूसरा व्याधि होगा। सैव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। एक बंद होगा, आप लगातार आप दवा देते रहोगे व्याधि प्रत्यनिक, वो व्याधि नहीं होगी, दूसरी होगा, दूसरा व्याधि होगा, ये चलते रहता है। उत्कृष्ट दोष, बड़े हुए दोष, इनको जब आप सामने नहीं करोगे तो वो व्याधि करने वाले हैं। इसने उसके लिए कहा है क्लेशयन्ति चिरं, ये चिरकाल तक व्याधि व्यक्ति को पीड़ित करते हैं, भिन्न भिन्न व्याधि करते हुए। इसलिए व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा का निषेध ग्रंथकार भी नहीं करते हैं, लेकिन उतने मात्र से ठीक नहीं होता है। जब तक धातु सामने प्रस्थापित नहीं होगा तब तक सुखायु नहीं मिलेगी, एक एक व्याधि होता जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, हेतु चल रहे दूसरा व्याधि, हेतु चल रहे तीसरा व्याधि। अब एक की चिकित्सा करो दूसरा होता रहेगा, व्याधि प्रत्यनिक करते रहो, अब शक्कर कम करते रहो दूसरा व्याधि होगा। आप फिर एकोस्प्रिन देते रहो तीसरा व्याधि होगा, छह बस तक होगा, करते रहो आप। यदि आपको दोषों का विचार ही कराना है तो ये करते रहिए, जीवन भर करते रहिए। उसको चिकित्सक नहीं कहेंगे हम, उसको वैद्यमानिन कहेंगे, वैद्यमानिन। बोलो। धन्यवाद सर। दूसरा प्रश्न यह है कि कर्मज हेतु अगर है तो उसमें दोष साम्यता कैसे हो सकती है, और क्या उसमें दैव व्यपाश्रय ही चिकित्सा करनी चाहिए?
पुनः मी पुनः प्रश्न स्पष्ट करा, सावकाश करा, मला ऐकू देत. कर्मज हेतु में दोषादि की साम्यता कैसे जाननी है और उसमें चिकित्सा दैव व्यपाश्रय होगी क्या? सूत्र ऐसा है कि ये जो दैवपाश्रय के व्याधि होते हैं इनमें अल्प हेतु से बलवान व्याधि होते हैं, तो वहां पर चिकित्सा आपको दैव व्यपाश्रय चिकित्सा तो करनी ही है, लेकिन उसका आप व्यवच्छेद कैसा करोगे, तो उसके साधन बता रहे वो कि अल्पेन हेतु ना बहुलक्षण युक्त व्याधि, हेतु थोड़ा सा हुआ है लेकिन बहुलक्षण युक्त व्याधि हो रहा है, तो यहाँ पर आपको अल्प हेतु तो बंद करनी ही है, उसकी विपरीत चिकित्सा तो करनी ही है, लेकिन दैवपाश्रय चिकित्सा भी करनी है, और जहां बलवान हेतु है वहां दैवों को दोष मत दो. यहाँ बलवान हेतु है, आज कोरोना में हेतु बलवान है, सभी संतर्पण कर रहे हैं, सभी हाई प्रोटीन के नाम पर अंडे खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, प्रोटीन इतना खा रहे हैं कि वो उससे व्याधि को अनुकूलता उत्पन्न हो रही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है. व्याधि कोरोना से नहीं इन्फ्लेमेशन से मरता है, जिसको बलवान दोष है, तो दैव आपदा नहीं है, अपने अपने कारण से है. ग्रंथकार कहते हैं कि शरीर में दोष रहे तो ये आगंतु प्रवेश करते ही है, नहीं देहिनम ज्वरम समुपसेवते, जिस शरीर में दोष वृद्ध नहीं है उसमें ज्वर प्रवेश नहीं करता. प्रवेश नहीं करता करते हैं व्याधि नहीं करता है, प्रवेश तो करता ही है व्याधि नहीं करता, इसलिए ये बलवान हेतु के कारण हुआ व्याधि है आगंतुक होने के बाद भी. तो जहां पर ऐसी संशंका है कि दैव ये दैव व्याधि है, तो वहां पर आप साथ में बिन इसका मतलब अर्थ ये नहीं है कि आप दोष चिकित्सा मत करो, वो भी करनी है, क्योंकि इन सब का परिणाम दोषों का विस्थापन होता है, दोष वैषम्य होता है. चल आगे. यहाँ पर आपने जो दोष साम्य के साथ साथ धातु साम्य भी कहा था, तो धातु साम्य के लक्षण कैसे समझने हैं? धातु साम्य के लक्षण ग्रंथकर्ता ने विमान स्थान के 8वें अध्याय में दिया है. वो कहते हैं कि सभी कर्म में सक्षम हो, निर्णय लेने में सक्षम हो, बलवर्ण उत्तम हो, निद्रा उत्तम आती हो, कर्म सामर्थ्य है, स्वर उत्तम है, निद्रा उत्तम आ रही है और सुख कारक निद्रा से ही बाहर आ रहे हो, उत्साहित है, ये धातु साम्य है. एक भी धातु साम्य क्षीण रहा तो ये सुख नहीं मिलता. हर कर्म में सुख, हर कर्म में उत्साह, ये धातु साम्य है. स्वास्थ्य और रोग नहीं होना और सभी कार्य में उत्साह, अपने अपने क्षेत्र में सभी इंद्रिया उत्तम है, कर्म पाटव है, इंद्रिय पाटव है, अग्नि पाटव है, निद्रा उत्तम है, उत्साह है, पौरुष है, धातु साम्य है. हेलो हेलो. हाँ सर.
जो पहला प्रश्न था व्याधि विपरीत के लिए, उनका इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये अध्याय में रक्तमोक्षण का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? वो किसमें? भी जो भी शोधन के संबंधित जो उल्लेख अभी तक आए हैं उन अध्याय में, यहाँ कि वो भी रक्त यहाँ सभी शोधनों का वर्णन नहीं किया, यहाँ मुख्य रूप में वमन विरेचन का किया है, भस्त्रिका का भी नहीं किया है, नस्य का भी नहीं किया है, क्योंकि इन दो में आपत्ति ज्यादा होती है। बलवान व्यापद इन दो में ज्यादा होते, अतियोग और अयोग इन दो के बहुत ही बलवान होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें नहीं होते हैं, उनमें भी होते हैं, लेकिन इन दो वमन विरेचन में व्यापद ये बहुत ही बलवान होते हैं, और ये बार बार करना पड़ता है, हर ऋतु में करना पड़ता है। कई बार कुछ अध्यायों में बार बार वमन बार बार विरेचन करना पड़ता है, और इसके व्यापद बड़े बलवंत है, इसलिए उनका उल्लेख किया। और बाकी शेष वर्णन जो उन्होंने सिद्धि अध्याय में किया, सिद्धि स्थान में किया है, और रक्तमोक्षण का वर्णन ये विधिशोणिति अध्याय में किया है, इसलिए ये उद्देश्य मात्र है, निर्देश नहीं है। तंत्रयुक्ति है महत्व के विषय को रखना और समासता रखना, और गौण विषयों को अन्यत्र अपने अपने स्थान में देखना। जैसे उपकल्पनीय अध्याय में केवल वमन विरेचन का वर्णन किया है, बस्ती का नहीं किया है। क्यों? वो सिद्धि स्थान में कर रहे हैं, हमारा यहाँ उद्देश्य केवल दिग्दर्शन है, किस प्रकार सामग्री इकट्ठी करनी है, देखना है, और यही नियम वहां लगाना है, यही नियम लगाना है वहां पर भी। और धन्यवाद सर। नहीं, अभी आज के प्रश्न